दर्शन पर्व के बाद हमने आत्मशुद्धि के रूप में दक्ष लक्षण पर्व मनाए। ये आत्मशुद्धि हमारी तप और तपस्या से बड़ी, हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर भगवान महावीर के विचारों को लेकर सात्विक रूप से अपनी आत्मा शुद्ध रहे और अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी जाने अनजाने तन से, मन से, शरीर से, वाणी से जो कुछ भी गलती हुई उसको क्षमा मांगते हुए अपने अहंकार को समाप्त करने का पर्व है। आप भगवान महावीर के जितने विचारों को, जितने सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे उतना ही जीवन हमारा साध्वी सात्विक और जीवन को सही राह पर बताने के महावीर भगवान के सिद्धांत केवल जैन समाज के नहीं अपितु आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सारे विश्व के अंदर लोगों की जिंदगियों को बेहतर जीने की राह बता सकते हैं। और जब महावीर स्वामी जी ने उस समय चौबीसवें तीर्थंकर के रूप में उस समय वर्तमान परिस्थितियों को, वर्तमान घटनाओं को लेकर जो विचार व्यक्त किए थे, जो जीवन के अंदर सृष्टि को सिद्धांत दिए थे, आज हजारों वर्ष बाद भी वह विचार वह सिद्धांत प्रासंगिक है और सभी समाज और सभी विश्व के लिए प्रासंगिक है। हमने जब हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी उस समय भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा से आजादी मिल सकती। ये उस समय के कालखंड के लिए बहुत बड़ी घटना थी कि बिना खून खराबे के, बिना कोई बड़ी क्रांति के आप इतने लंबे शासकों से लड़ाई सत्य अहिंसा पर लड़कर आजादी प्राप्त करें। और उस समय भी भगवान महावीर ने कहा था कि अगर दुनिया को समृद्धि लानी है, खुशहाल लाना है, अपने अपने देश को की जनता के अंदर समृद्धि खुशहाली लानी है तो हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, विश्व की शांति के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और आज भी इतने सालों बाद भी संपूर्ण विश्व के अंदर इस बात का मंथन होता है, चर्चा होती है कि सत्य अहिंसा और शांति ही समृद्धि के रास्ते खोलती है। और आज किसी भी विश्व के किसी भी देश में चले जाएं, जहां पर भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात किया, उनके रास्ते को अपनाया,
उन्होंने प्रगति की है, खुशहाली की है, और व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की राह बताते हैं। भगवान महावीर के 5 सिद्धांत जो आप सबको पता है, संपूर्ण समाज को आज भी उन सिद्धांतों पर चलकर अपनी आत्मिक शुद्धि भी हो सकती है, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आहार की शुद्धि, अपरिग्रह, सब कुछ समाज के लिए, गणना, प्रतिशोध। और सबसे बड़ी भगवान महावीर ने जो विचार दिए, एक जीव में भी आत्मा रहती है, और इसी सिद्धांत के कारण हिंसा को त्याग करना आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के लिए अति आवश्यक हो गया। मैं पिछली बार कई बार जैन समाज के कार्यक्रमों में मेरा देश के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है। आप किस तरीके से आर शुद्धि की बात करते हो, जब विश्व में जाते हो तो कोई देश में आप आहार शुद्धि का मतलब आप कहोगे जैन भोजन, मतलब जैन भोजन का मतलब वह सात्विक जिंदगी जीने वाला व्यक्ति है। यह भारत की संस्कृति है, यह भारत के संस्कार है, यह भारत का आध्यात्मिक है। और हमारे संतों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किलोमीटर की यात्रा, अलग अलग क्षेत्र के अंदर पड़ाव पड़ाव के साथ वहां के लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने की राह, और किस तरीके से आप जैन धर्म और जैन दर्शन को मानकर अपने जीवन में शांति से जी सकते हैं, तो जैन दर्शन से जी सकते हैं। अशांत, क्रोध, लोभ, मोह, सबको त्याग कर व्यक्ति सात्विक रूप से जी सकता है, तो जैन दर्शन के माध्यम से ही जी सकता है। इसलिए जैन दर्शन केवल जैन समाज के लिए नहीं, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भगवान महावीर का दर्शन संपूर्ण समाज के लिए है। और इसीलिए कहते हैं कि भारत की संस्कृति, संस्कार, आध्यात्मिक ज्ञान उन भौतिक संसाधनों से, जहां भौतिक संसाधन ज्यादा हैं उस देश में लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उसके कारण वहां तनाव, हिंसा, घृणा, वह वहां का मेन तत्व बन चुका है। लेकिन हमारे यहाँ पर आप जैसे साध्वी साधुओं के कारण हम कभी भी जिंदगी के अंदर हमारे जीवन के रास्ता भटक जाते हैं या अपनी दिशा को परिवर्तन कर लेते हैं, तो उस समय आप साधु संत के संग समय समय पर हमें सही रास्ता, सही दिशा बताते हैं। और व्यक्ति जब कभी जिंदगी में विचार करता है तो कहता है तो सत्य तो यही है, इसके अलावा सत्य भी नहीं है। लेकिन फिर भी समाज के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर भौतिक संसाधनों के कारण कई बार वह जिंदगी में भौतिक संसाधनों को सब कुछ समझ लेता है, और लेकिन जब कभी मन से विचार करता है और जैन दर्शन को पढ़ता है तो फिर कहता है कि नहीं, जीवन के अंदर सत्य जैन दर्शन ही है और इस पर ही हमें जीना है। और ये क्षमावाणी पर्व, भगवान महावीर की जयंती, ये समय समय पर
हमें प्रेरणा देती है, दिशा देती है कि हम जैन दर्शन को पालन करें, जैन दर्शन को अपनाएं। हमारे आने वाली पीढ़ी कहीं दिग्भ्रमित न हो जाए, उनको भी जैन दर्शन का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिले, ये एक आवश्यक चीज है। और मुझे लगता है कि समाज के अंदर हमारी नौजवान पीढ़ी जिसकी बौद्धिक क्षमता, तकनीकी विज्ञान, विज्ञान शोध तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत हमारी आध्यात्मिक और धर्म है। दुनिया के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उस विकसित राष्ट्रों के अंदर अवसाद और तनाव है, भारत के अंदर आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति और अच्छे संस्कार के कारण तनाव मुक्त भारत है और दुनिया के लोग इसीलिए भारत में आते हैं। मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा मांगते हुए भगवान महावीर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके चरणों में उनके बताए गए दर्शन, उनके बताए गए ज्ञान, उनके बताए गए विचार को आत्मसात करें और सात्विक जिंदगी, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करें। यही आज का संकल्प है। आप सबको भगवान महावीर जी की कृपा बनी रहे और दुनिया के अंदर भगवान के विचार और सिद्धांत पर दुनिया चले, यही हमारी अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।